हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही टेस्टी पनीर मसाला बनाएंगे, एकदम होटल स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें चाहिए बड़े टुकड़ों में कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च। यहाँ मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, साथ ही 8-9 लहसुन की कलियाँ, एक टुकड़ा अदरक, एक टमाटर, एक TSP गरम मसाला, 2 TSP लाल मिर्च पाउडर, 1 TSP धना पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 2 तमालपत्र। पनीर को इस तरह बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब यहाँ पर अलग से 2 प्याज काटकर उन्हें अच्छे से भून ले। प्याज को थोड़ा ब्राउन होने तक भून ले, कुछ इस तरह दिखेगा। उसके बाद कटे हुए पनीर को सुनहरा होने तक फ्राई करें। भुने हुए प्याज को मिक्सी में डालकर उसमें गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन, अदरक डालकर पीस ले। अब गरम तेल में रफली कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च को फ्राई कर ले। कुछ इस तरह हमने प्याज, शिमला मिर्च और पनीर को फ्राई कर लिया है। अब कढ़ाई में फिर से तेल डालकर गरम होने पर उसमें पीसी हुई चटनी डाल दे और 5 मिनट तक अच्छे से पकाए। उसके बाद स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से पकाए। जब तक चटनी पक रही है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चटनी का कलर थोड़ा बदल गया है। अब चटनी में रफली कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च डालकर पनीर के टुकड़ों को भी डाल दें और मिक्स कर दें। 5 मिनट के बाद गर्म पानी ऐड करें और उबाल आने के बाद गैस बंद कर दें। आपको जितना पानी डालना हो आप उतना डाल सकते हो। और देखते ही देखते हमारा होटल स्टाइल पनीर मसाला एकदम रेडी है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।